11 सेकंड। सर है वो आपका बेटा है। तो अभी छोटो है, दो और जाते बड़े ये छोटे दौड़ता है, आपको पता है बहुत अच्छा दौड़ता है। अब मैं तो बाबूजी जाते रहेंगे कहाँ पर दौड़ते कहाँ। तो आपकी घर की स्थिति भी खराब है। सब हम कुछ देखो तो रेडी फटिया नहीं चढ़ पा रही, मुझे कैसा लगे जी बेसी लगा दें। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये बहुत कुछ कर सकता है दौड़ के, देश का नाम रोशन? जो कह रहे हैं कि खुराक होती खुराक खुराक नहीं सारी। सर मेरा नाम रामेश्वर गुर्जर है। ये कौन सा नगर है? सर ये सिकंदरपुर नरबर है, डिस्ट्रिक्ट सुपरी। ये अभी आप जो दौड़ते हैं, हाँ। तो अभी तक आपने कितने सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय? सर मैंने अभी तक यहाँ पर 11 सेकंड और कुछ ऊपर भी पल्स में कम नीचे उतर जाती 11 सेकंड से करीबन, ऐसी मैं मारता रहता हूँ। अभी एक वीडियो आया था आपका, हाँ सर, जिसमें आप नंगे पैर दौड़ रहे हैं, आपके पास जूते तक नहीं है? सर जूते नहीं थे मेरे पास, सर ने जूते दिलवाए मेरे को, मेरे पास चप्पल थी, चप्पल में रनिंग नहीं होती थी, मैं चप्पल से रनिंग करता था। तो मैंने कोई चप्पल तो दिक्कत देगी, तो मैंने नंगे पैर दौड़ की थी। आपको क्या लगता है कि आप विश्व रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? हाँ सर मेरे को उम्मीद है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मेरे को अच्छी सरकार ने फैसिलिटी दी तो मैं ये कर सकता हूँ। विश्व रिकॉर्ड का मालूम है आपको कितना है अभी? हाँ सर 9 सेकंड कुछ है, उसेल बोल्ट का है, तो ऐसे आप उसको तोड़ सकते हैं? सर मैं ऐसा कर सकता हूँ। अभी कुछ एक जानकारी भी लगी है, आपकी पारिवारिक स्थिति भी कमजोर है, उसको देखते हुए आप ना आपको पूरी डाइट मिल पा रही है ना खाना मिल पा रहा है? हाँ सर ये मेरे को डाइट भी कम मिल पा रही है, कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है कभी मुझे भूखा भी सोना पड़ता है, और ऐसे तैयार करते हैं दूध की कमी है और सारी ये काई किस्में जी तो मिलती ही नहीं है बिल्कुल। कभी कभी थोड़ा दूध मिल जाता है, जो उससे मेरी डाइट थोड़ी सी चली जाती है। आपको लगता है कि सरकार आपकी मदद करेगी तो आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि सरकार ने मेरे देखा वीडियो पे, जैसे हमारे खेल मंत्री जो जीत पटवारी जी है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी वीडियो देखी और मुझे इस काबिल समझा कि मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगा और मैं आगे कुछ कर सकता हूँ देश के लिए, क्योंकि मैं देश के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं देश के लिए जीता हूँ। आपको ये लगता है आपके जैसी कई प्रतिभाएं देश के कोने कोने में छिपी पड़ी हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? सर बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि गांव में जो लड़के काम करते रहते हैं उनमें फुर्ती काफी रहती है, ऐसे लड़के निकल सकते हैं गाँव से, अगर मीडिया वाले अगर जाए उनको देखो, कोच भी जो स्पोर्ट है तो पे भी जाए तो वो देख सकते हैं कि गाँव में निकल सकते हैं ऐसे लड़के, मुझे उम्मीद है। ये ग्राउंड पे बताया गया है कि जो रामेश्वर गुर्जर हैं और दरोगा, उन्होंने आपका बताया है कि जो प्रेरणा मिली है मुझे दौड़ने की वो आपके माध्यम से मिली है, तो आपने क्या देखा उनके अंदर? नहीं वो दौड़ता रहता था, मैंने उसके अंदर जो स्टेमिना देखी, मैं हमेशा यहाँ बच्चों को खिलाता रहता हूँ, कहीं क्रिकेट कहीं बैडमिंटन कहीं वॉलीबॉल, तो जब मैंने इसके अंदर एक स्टेमिना देखी तो ये अलग ही दिखी, जितनी स्फूर्ति उसके अंदर है वो मेरे को कहीं नहीं दिखी। तो मैंने जाके इससे कहा कि आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो, रनिंग अपनी जारी रखो। हमने इस विषय को माननीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा है तो कुछ हमारी बात पे अमल किया गया, जैसे पूर्व में जो सरकार थी उन्होंने ये ग्राउंड की बहुत बदतर हालत थी तो उन्होंने इस ग्राउंड को बहुत इस काबिल बनाया कि जहाँ बच्चे अभी खेल सकते नहीं तो ये खेलने लायक नहीं था, अगर इससे और अच्छा ग्राउंड बन सकता है तो यहाँ प्रतिभाएं बहुत अच्छी निकल सकती हैं, चाहे वो वॉलीबॉल के क्षेत्र में हो, चाहे खो खो, चाहे कबड्डी, चाहे बैडमिंटन, चाहे क्रिकेट, चाहे हर क्षेत्र में रनिंग के क्षेत्र में निकल सकते हैं, बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा विश्वास है। पूर्व में ये ग्राउंड की आप जो दशा देख रहे हैं ये बहुत बदतर थी, हमारे पहले लक्ष्मण गुप्ता जी थे नगर पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने बाउंड्री वॉल करवाया, फिर इसके बाद में मनोज माहेश्वरी से हमने निवेदन किया तो उन्होंने बहुत अच्छा इसका डेवलपमेंट कराया, माननीय यशोधर राजे का भी बहुत रहा, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं केंद्रीय मंत्री, उनका भी बहुत सहयोग रहा है इस ग्राउंड के लिए, ये सभी ने मिलकर नगर के सारे लोगों का हमारे लिए सहयोग मिलता है यहाँ पे। अब भी रामेश्वर गुर्जर जो है उन्होंने जो लगभग वर्ल्ड रिकॉर्ड से कुछ सेकंड्स की 2 सेकंड्स की दूरी पर है, तो अगर उनको निखारा जाए तो क्या आपको लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है भारत? बिल्कुल तोड़ सकता है, ये बालक इसमें जुनून है, इसमें वो ताकत है कि इसका हौसला बहुत बुलंद है, मैंने इसके अंदर झांक के देखा, इसके मन को पढ़ा तो इसका बहुत हौसला बुलंद है, अगर इसको अच्छी सुविधाएं मिल जाएं, ये थोड़ा पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, इसका खान पीन का और थोड़ा डाइट सही ना होने के कारण और कोच ना मिल पाने के कारण, मैं
ऐसा कोई कोच तो नहीं हूँ, लेकिन जितना आता है मैं उसको तैयारी कराता हूँ, सभी बच्चों को कराता हूँ मैं तो तैयारी। लेकिन अगर इसको कोई अच्छा सा कोच मिले और अच्छे स्तर पर इसकी और तैयारी कराई जाए शासन के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो एक दिन ये हमारे देश का नाम रोशन करेगा, हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये नंगे पैर दौड़ते हैं बताया, जूते भी आप ही ने अपने? हाँ, ये थोड़ा पारिवारिक स्थिति से बात नहीं करना चाहिए, इसकी परिवार स्थिति बहुत दयनीय है। कभी कभी नंगे पैर दौड़ता था, चप्पलों में दौड़ता था, जब मैं इसको देखता था उनके यार नंगे पैर में लग जाएगी तो पैर छाले आ जाएंगे, तो कभी कभी छाले भी आ जाते थे इसको, लेकिन ये उदास हो जाता था। फिर मैंने कहा यार जूते पहनो तुम, जूते पहन के इसको दौड़ा है मैंने, तो जूते पहन के अच्छी पल्स आई इसकी, 10 सेकंड 12 पल्स इसमें निकाला है इसमें। ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये मेरा सपना साकार हो रहा है मेरे नरवर शहर का, और हमारे पूरे नरवर वासियों को अत्यंत इस बात की खुशी है कि इस लड़के ने कुछ करके दिखाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।